हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने एक न्यूज़ देखा है जिसमें कम से कम महाराष्ट्र में 53,000 नए केसेस हुए हैं। मुझे ये पता नहीं कितना कोरोना वायरस बढ़ कैसे रहा है, और इस वजह से सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने को पूछ रहा है। अभी फिर से अगर लॉकडाउन लग गया तो आम जनता पे फिर से नई मुसीबत आने वाली। और मेरा ये कहना है कि इतने कोरोना वायरस बढ़ कैसे रहा है, मतलब क्या रीज़न है। कल मैं एक अस्पताल में गया था जहाँ देखता हूँ कि कोरोना वायरस के वैक्सीन की कैंप लगी हुई है, मगर वहाँ लोग ही नहीं, वैक्सीन ले ही नहीं गए। शायद लोगों को भरोसा नहीं है वैक्सीन के ऊपर, या फिर वैक्सीन लेके हो गया होगा मेरे पास। तो मैं अंदर गया तो अंदर भी देखता हूँ भीड़ नहीं है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग ले रहे कि नहीं ले रहे। अब आप भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप में से भी कई लोगों ने लिया होगा करोना वैक्सीन। तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि करोना वैक्सीन लेने से बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होते हैं या नहीं होते। और रही बात लॉकडाउन की, लॉकडाउन तो मुझे लगता है फिर से होने ही वाला है शायद से, क्योंकि सरकार ने एक न्यूज जारी की है जिसमें कह दिया है कि रात के 8 से, शायद आज ही रात को 8 के बाद लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। मेरा ये कहना है कि अब जो सिचुएशन शुरू है तो प्लीज़ मास्क पहने रखिए और डिस्टेंस बना के रखिए, बस यही कहना था। और सरकार की बात से अगर आप सहमत हो तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, हाँ या ना। और रही बात कोरोना वैक्सीन की, अगर जिन्होंने वैक्सीन लिया है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या नहीं होते। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय।